Hi all. Today our subject is Sanskrit, lesson number 13. Dishtva Gogranam Santam. That means luckily the seizure of cows ended happily. Okay. This excerpt has been taken from the Mahakavi Bhasha's 3-act play Pancharatnam. Pancharatnam. Pancharatnam, Panchatantra, Hitopadesh, Subhashitam, Subhashinai. ये जो है ये ऑल आर पार्ट्स ऑफ द संस्कृत. इन द कंपोजिशन ऑफ दिस प्ले भाषा वॉज डिसमिस्ड एंड एंड डिस्टिंक्टिव वर ऑफ द महाभारत. वेन द पीरियड ऑफ द पांडव्स बीइंग इनकॉन्डिटे इज अबाउट टू गेट ओवर, दुर्योधन परफॉर्म द यज्ञ एंड द आचार्य अजिते यज्ञ इन गुरु द्रोणा एज दक्षिणा. Drona was Duryodhan to give up the kingdom of the Pandavas. Duryodhan does not accept this, but Shakuni makes him accept it with a condition. The condition is that Pandavas should be tracked in 5 days. In this background, on the advice of the Bhishma, the Kauravas lead their army against the city of the Virata and carry away their cows. In order to stop the stealing of the cows, Bhima disguised as Vallava and Arjun as Viranda helped the Virat king and successfully drive out the Kauravas. They also get hold of Abhimanyu. An edited version of that, what takes place at the court of the Virata king is presented here. Abhimanyu cannot recognize his father and uncle who are in disguise. The attempts of the both the elders to tease Abhimanyu through the conversation is really humorous. This conversation will really certain each one in the audience. With Abhimanyu as the cause, the Virata king also comes to know of the true identity of the Pandavas. As Pandavas have been traced within 5 nights, Duryodhan as advised by Drona gives half the kingdom. Okay, in this way war is averted. All of these events take place within 5 nights. The play has the title Pancharatnam. Jo Pancharatnam do jo ye hai जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये कहानी महाभारत का है. महाभारत से जैसे उस दिन मैंने आप लोग को कराई थी जो गीता कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहा है, ये कब होता हुआ था, डेट क्या था, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास. तो आज जो है ये दिस इज द ड्रामा, दिस इज द ड्रामा. क्या है, एक ड्रामा है, नाटक है. तो ये नाटक आपको देखना है. भट्ट जयतु महाराज प्रिय निवेदय महाराजाय अवजितं गोग्रणम अपयाता धात्र राष्ट्र. मे इज मैजेस्टी. वेन एनीबडी इंटर द स्कूल कॉलेज कोर्ट तो ऑब्वियसली कार्सी शुड बी मेंटेन चाहे वट एवर इन द किंगडम ऑल्सो. तो जब भी कोई अंदर आती है कुछ भी होता है तो है मैजेस्टी बोल के उसको किंगडम में मैजेस्टी बोलते हैं. तो वट इज ए भट्ट, भट्ट का जे आई कन्वे समथिंग प्लीजिंग इन हिज मैजेस्टी स्टीलिंग ऑफ काउस हैज बीन फॉइल्ड द कौरव. जो गाय चोरी हो गया उसके बारे में मुझे बात करनी है. द कौरव सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेंट अवे. ओके, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र कौन थे, धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई. धृतराष्ट्र के स्वपुत्र दुर्योधन दुशासन. आई विल से द नेम ऑफ द ओके नेक्स्ट क्लास. एंड वन गर्ल डॉटर और पांडू, पांडू का क्या था, पांडू 5 सन्स युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव हैं. ही हैज़ 1 वाइफ एंड ही पांडू हैज़ 2 वाइफ्स. एक्चुअली ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग. तो दैट मीन्स व्हेन ही वॉज ब्लाइंड, तो व्हेन ही वॉज मैरिड दैट टाइम हीज वाइफ गंधारी ऑल्सो सेड जे आई विल ब्लाइंड माई फोल्ड माई आईज. तो मैं अपना आँख भी बंद कर लेता. तो धृतराष्ट्र और उसकी मिसेज जो गंधारी थे दोनों का ही आँखें बंद था. एक्चुअली गंधारी तो ब्लाइंड नहीं थे ड्यू टू हिज हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के चलते वो भी अपना आँख बंद कर लिया. और पांडू थे राजा, पांडू की 5 लड़का था तो ऑब्वियसली जो
क्या एक्चुअली क्या होता है, पंडुक के हिसाब से आती है। तो पंडु जब आया था तो पंडुक के क्या हुआ, पंडु का पांच भाई था, पांच भाई में एक भाई युधिष्ठिर भीम, युधिष्ठिर वॉज द बेस्ट बट ऑल्सो दुर्योधन दुशासन दे अपोज्ड ड्यू टू मैटरनल अंकल शकुनी। कोई अच्छे बोलते हैं तो कोई बुरा बोलते हैं, कोई अच्छे बोलते हैं तो कोई बुरा बोलते हैं। तो किंग राजा अपूर्व इवती हर्ष बूढ़ी केनासी विस्मित, तो बोला किंग बोल रहा है योर जॉय इज इंडीड अनप्रिटेंडेड, तो टेल मी व्हाट इट इज बाय विच आर सरप्राइज, व्हाट इज द थिंग है यू वांट टू से दैट मीन्स व्हाई यू आर सरप्राइज। तो भट अश्रद्ध प्रियं प्राप्त सौभद्र गहनंगत अनबिलीवेबल ग्लैडसम न्यूज इज रिसीव्ड आई गॉट ए न्यूज विच इज नॉट सुटेबल फॉर आस अभिमन्यु द सन ऑफ सुब्रत इज कैप्चर्ड, बोला आई गॉट द मैसेज देव द काउस आर कैप्चर्ड बाई द अभिमन्यु। राजा कथम इदानी गीत किंग नाउ हाउ वॉज इट वॉज कैप्चर्ड, नाउ हाउ इट वॉज कैप्चर्ड। भट रथमा सद्य निशंक बाहुमा विस्त नास्ती, बोला रीचिंग हिज चैरियट ही वॉज ब्रॉट डाउन इन आर्म्स विदाउट एनी फियर, अभिमन्यु विदाउट एनी फियर ही गॉट द कैप्चर द काउस, ही कैप्चर द काउस। राजा केन देन ही टोल्ड बाय हुम वाई, भट यकिलेश नरेंद्र महान से विनियुक्त वल्लव तेन, तो बोला इंडीड बाय दिस वल्लव हु वॉज अपॉइंटेड इन द किचन बाय हिज मैजिस्ट्री, बाय हिज मैजिस्ट्री। ओके देन तेन राजा, राजा तेन ही संकृत प्रवेशता अभिमन्यु विहन्नले प्रवेशम अभिमन्यु, तो देन लेट अभिमन्यु बी ब्रॉट, अभिमन्यु बी ब्रॉट इन हैविंग ट्रीटेड हिम विथ ऑनर, तो बोम्बोनाला ब्रिंग अभिमन्यु इन, ही हैज गन इनसाइड। राजा तेन ही सत्कृत्य प्रवेशम अभिमन्यु विहन्नले प्रवेशम अभिमन्यु, तो राजा ने बोला देन लेट अभिमन्यु ब्रॉट इन हैविंग ट्रीटेड विथ ऑनर, उसको प्यार से ऑनर देके मतलब सम्मान देके तो उसको लेके आओ। बन्नराता जदा आज्ञा प्याति महाराज निष्कंत एंड ही सेड ओके मैजिस्ट्री आई विल ब्रिंग हिम, आई कॉल हिम देन एंटर द इनसाइड, तो अंदर चला गया। ओके देन भियन्नलता इतो इतो कुमार अभिमन्यु, इतो इतो कुमार अभिमन्यु, तो भाई तो बोमल हियर बाय दिस साइड, बाय दिस साइड ओ प्रिंस अभिमन्यु कम इन साइड। भियन्नलता अभिमन्यु अभिमन्यु हम कथम कथम अभिमन्यु नहाम भो किंग नाभावी अभिभस्यन्ति क्षत्रिया, तो बोले डिड यू इंडीड से अभिमन्यु, हाउ कम आई एम अभिमन्यु ओ आर क्षत्रियो एड्रेस चेयर बाई दिया। ओके तो अभिमन्यु उनको ऐसे बोले बोल के बोला जे आई एम अभिमन्यु इफ यू वॉन्ट टू से एनीथिंग प्लीज से। बियन्नलता अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, बियन्नलता पूछे यार बाई दिस ओ प्रिंस अभिमन्यु, तो दी बियन्नलता ओ अभिमन्यु इज योर मदर हैप्पी, इज योर मदर हैप्पी बिकॉज यू आर द सन ऑफ हर, तो इज योर मदर हैप्पी। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम व्हाट माय मदर व्हाई, किंग भवान धर्मराज मे भीमसेन धनंजय यशना प्रीति भद्रकम स्त्रीगतम पिछसे कथम, तो बोले आर यू धर्मराज धनंजय दैट यू आर आस्किंग अबाउट, दैट यू आर आस्किंग अबाउट द न्यूज कंसर्निंग, द न्यूज कंसर्निंग द लेडी अप्रोचिंग मी लाइक माई फादर। बियनलता अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, तो बियनलता अभिमन्यु आई नो इज कृष्ण द सन ऑफ देवकी हैप्पी। देन अभिमन्यु कथम तत्व भवंतं अपि नामना अथो किम, अथो किम कुशली भवत समूह, तो अभिमन्यु व्हाई द रिवर्ट पर्सन बाय नेम,
Yes, certainly your relative is doing well. I know that one. But also, उभय परस्परम अवलोकत है. They watch each and everybody to look after that. Both look each other. He look to Bhyanlalata and Bhyanlalata looks to Abhimanyu. Then Abhimanyu, alam satcha kodale no asmanam kule atmo sangla uchita nasti ranabhumu hateshu sarad pasya ma bina namantara na bhavishyati. Now why are you laughing at seriously? Why sarcastically? So why you are laughing? Who asked? Abhimanyu. Abhimanyu unko pucha ji aap kyun haas rahe ho. Bhyanlalata na khalu kinchit. न तो पत्थम पाठवता जनार्दन तत्व मातुल. तब ब्रह्मलाल बोला इंडीड इट इज नथिंग फॉर देम इट इज नथिंग फॉर बट यू आर द सन ऑफ पार्थ दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. अभिमन्यु अलं सच्छ द प्रालेन अस्मकं कुले आत्मश्लाघा उचिता नास्ति रणभूमो हतिषु शरण पश्यो मा बिना नामांतर ना भविष्यति. तभी मन्नु बोले एनाफ enough. Stop your losing talking. In our family, praising self is not proper. See the arrows struck out there who were killed. Okay? So, battlefield. No other name except mine will be found there. Bhyanlalata. Attagatam. Apne aapko bola to himself. Sammo kaha kumaro. In front of the पहले आपने सोचा फिर बोला आपने आपके अंदर में बोला जैसे हम लोग अपने आप बात कर लेते हो फिर सामने से बोलते हो ये राइट हुआ नहीं हुआ दैट्स वाई. तो प्रकाशम जब सबके सामने बोला एवं वाक्य उड़ने न कीमत तो तीनों पदा तीन घी तो है तो वाई यू आर कैप्चर इज दिस फुल सोल्जर वाई यू द कैप्चर फुल दिस. पहले आपने आपको सोचा है ही सेड टू हिमसेल्फ बाई ओन सेल्फ. तो आपने आपको बोला फिर उसको किया. ओके फिर अभिमन्यु आकश्य महाराज. तो अभिमन्यु ने पूछा विदाउट एनी वीपन मतलब आकश्य महाराज. अभिमन्यु बोला ही केम मई विदाउट एनी वीपन मैं तो आपके पास कोई वीपन मतलब कोई शस्त्र तो लाया नहीं हूँ. सो व्यनता ना ना ब्राह्मण है साहस थे हैं तो बोले नहीं नहीं लेट मी अभिन आर्या. अभिमन्यु ब्राह्मण है तू भगवान अभिवादय. तो ही सेट कौन बोला अभिमन्यु ने बोला जे ओ हुज किंग भगवान यही वत्स. अभी कौन आया भगवान. तो भगवान बोल रहे कमन चाइल्ड कमन. अभिमन्यु अनुग्रहम अस्ति अस्मि आई एम अब्लाइड बिकॉज यू कॉल्ड मी. राजा यही पुत्र कथं मान नाभिवादयति हैं. तो बोले कमन माई सन हैं हाउ इज इट दैट इट्स नॉट गोइंग डाउन कथंग मान अभिवादयती. आपने क्यों नहीं उनको अभिवादन किया. अहो उत्कित खोलू अयं क्षत्रिय कुमार. ठीक है दिस क्षत्रिय प्रिंस इज इन डिट द इम्पुडेंट. अहम अश्व दर्प प्रसारम करमी प्रकाश्य अभी सबके सामने बोला अथंग केन्हाय गृहित हैं. तो वाई आई सेल सबमिट हिज प्राइड नाउ वाई होम वाई ही वॉज कैप्चर दिस वन. अभिमन्यु महाराज भीमसेन महाराज मया वल्लभ ने अभी भीमसेन ने बोला योर मैजिस्ट्री बाई वल्लभ वल्लभ एनो मतलब बाई वल्लभ. अभिमन्यु अशास्त्र इति कथायाम. तो तब अभिमन्यु बोले हैं हु वेर नॉट कैरिंग योर वेपन एनी वेपन. भीमसेन शांत पापम सहजो मे प्रहनम भुजो धोनु तो दुर्बल गृहत्ते. तो तब भीम अभिमन्यु ने बोला तब भीमसेन ने बोला शांत पापों सहजो में सॉरी प्रहरण भुजो. तो तब अभिमन्यु भीमसेन ने बोला जे गॉड जो फॉरबिट होता है माई आर्म्स आर माई नेचुरल वेपन्स. क्योंकि भीम जो थे हैं उनके पास हजार राक्षस का ताकत था. भीम के पास हजार थाउजेंड राक्षस का पावर था. तो उन्होंने बोला माई हैंड्स आर माई वेपन्स आई नो नीड टू वेपन्स. मेरा जो हाथ है यही मेरा वेपन अस्त्र है. ए बो इज कैरिड बाय द विकेंड. तो
कौन लेके आता है? जो कावड़ होता है, जिसके पास है अपना ताकत नहीं है, दे ओनली है ब्रॉट द वेपन्स विथ हिम, वही अपने पास बा हिमसेल्फ। तो जो जिसके पास ताकत नहीं होता है वही अपना वेपन लेके आते हैं। फिर भीमसेन महाराज राजा पुत्र कहयम मध्यम, पुत्र कहयम मध्यम नाम। तो राजा ने पूछा सन मे यू लिव लॉन्ग, तो आप बताओ। तब उत्तर आ गए, उत्तर आपको मालूम ही है भविष्यति उत्तर, तात अभिवादय उत्तर बोला ऑनर फादर आई बो डाउन यू राजा, तातो मतलब फादर राजा आयुष्मान भव पुत्र। तो उत्तर को बोला हैं गॉड ब्लेस यू बेटा, अपि पूजिता कितो कर्मानी शोधा। तो राजा ने पूछा हैं मे लॉन्ग लीव, आप एक काम करो, आर द सोल्जर्स आर परफॉर्म देयर, आर द सोल्जर्स आर परफॉर्म देयर। तो उन्होंने राजा ने पूछा है, तो उत्तर तब जवाब दिया पूजिता पूज्यम पूज्यतमश्व क्रियतं पूजा पूज्या। तो उत्तर बोला दे आर ऑनर लेट मी वन हु इज मोस्ट वर्थी, हु इज वर्थी। फिर उत्तर बोला इहात्र भवतो धनंजयस्य, बोले किंग ने पूछा पुत्र कश्य किसका पुत्र, ठीक है। तब उत्तर बोला इहात्र भवतो धनंजयस्य, धनंजय का हाँ द रिवर्ड वन हु इज हियर। राजा कथं धनंजयस्य इति, धनंजय द रिवर्ड हु इज हियर। तो राजा ने पूछा है वाई व्हाट धनंजय, क्या धनंजय? तब बीरनाथ बोले प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाराज, बीरनाथ बोल रहे उत्तर आया, उत्तर बोल रहा है अथो किम अत्र भवता शशान निज धनुत तुनी चक्षय शायके चादाय सी भीष्माधाय निपा भगना भयं च परिरक्षिता। तो तब उत्तर बोला यस टेकिंग द बो, टेकिंग द बो टू गिव अस एन इमरेटेबल एरोज फ्रॉम द क्रिमेटम। आपको मालूम है जो एरो होता है जब तक एरो अपने बो में नहीं लगा है उसका कोई मालूम नहीं, लेकिन एरो जो पीठ में रखते हैं, जो पीठ में एक ही जगह में हम लोग जैसा पेन एक साथ रखते हो तो दैट इज कॉल्ड द पेन स्टैंड, वैसे एरो जहाँ पर रखते हैं दैट मीन्स पीठ में, तो उसको क्या बोला जाता है एक साथ रहता है निकाल के मारते हैं ना, तो उसको बोला जाता है क्वी भार, क्यू यू आई वी ई आर, दैट इज कॉल्ड द क्वी भार, ओके। तो उत्तरा बोला अत्यभाव तो शशान, तो उत्तरा ने उनको पूछा किंग बोला एवं एतत इज इट लाइक दिस। बीरनलता प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाराज बीरनलता बोला रुकिए मैजेस्टी रुकिए प्लीज। उत्तरा व्यापनायतु शंकनाम अयम एव धनुर्धर धनंजय, उत्तरा डू एवे विथ डाउट दिस इज द श्योरली धनंजय द आर्चर, क्योंकि धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन का एक नाम धनंजय। तो धन अर्जुन था कौन सा था, कौन था सबसे बड़ा आर्चरी, भीम का जैसे बॉडी की ताकत था, भीम बॉडी में जो ताकत था कोई भाई में नहीं था, ना दुर्योधन का 100 भाई में, ना युधिष्ठिर के जो 5 भाई थे, उस टाइम भीम वॉज द मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल। तो आर्चरी कौन थे, अर्जुन, अर्जुन जो थे वो एक आर्चरी थे, उसका जैसा आर्चरी कोई नहीं था। और मेन सबसे क्या था, अर्जुन का आर्चरी था, भीम का युधिष्ठिर थे सत, वो कभी झूठ नहीं बोला था। और उसमें एक भाई का था वो है सहदेव, उसको पहले से आभास हो जाता था जिसके बाद क्या होने वाला, लेकिन वो कभी ये डिक्लेयर नहीं करते थे, सहदेव को मालूम होता था इसके बाद क्या हो सकता है, तो सहदेव ने कभी इसको डिक्लेयर नहीं करते थे। ये जो पांचों भाई थे, पांचों भाई में अलग अलग क्वालिटी था, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, भीम का जैसा ताकत किसी का नहीं था, ना युधिष्ठिर भीम युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव में था, ना दुर्योधन लोक में था, और अर्जुन उसका जैसा बड़ा आर्चरी कोई नहीं था, उनका जैसा आर्चरी कोई नहीं था। और सहदेव जो था उसको क्या था, उसको ना पहले से पता चल जाता था इसके बाद ये होने वाला है, लेकिन वो कभी ये डिक्लेयर नहीं करते थे, ये जो लड़ाई था होने वाला है इसका आभास सहदेव को पहले से पता चल गया था, क्योंकि सहदेव की एक अलग सिक्स सेंस था जो उसको बता देते थे हैं जी इसके बाद ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया था।
বীরনলাদ যদি অহম অর্জুনত হি অং ভীমসেন অং চ রাজা যুধিষ্ঠির। তো বীরনলতা তব ক্যা বললে, যদি ম্যায় অর্জুন হু তো দেন দ ভীষ্ম আপ হো তো কিং যুধিষ্ঠির ভি হো আপ হো। চলো ফির ইহং অত্র ভবত মে পিতর তেন খলু। তো অবনে বলল হেয়ার দিজ আর মাই ফাদার দেন ইনডিড। ওকে অভিমন্যু ইদং অত্র ভবত মে পিতর ন রুষ্যতি মায়া ক্ষিপ্তা হস্তঞ্চ ক্ষিপ্তঞ্চি ক্ষিপ্তন্তি মাম দিষ্ট গোগ্রহণ সন্তং পিতর ইয়ন দর্শিতা ইতি ক্রমেণ সর্বান প্রণমিত সর্বতস্ময় আশীর্বাদ বদতি। সবনে উসকো আশীর্বাদ দিয়া উনোনে ক্যা বলা, ডোন্ট গেট অ্যাগ্রি ওয়েন ইনসাল্টেড বাই মি, দে ইনসাল্ট মি ওয়াইল লাফিং লাকিলি দ্য এক্সপেকশন অফ দ্য স্টিলিং দ্য কাউস এন্ডেড ওয়েল ফর ইট সো মি মাই ফাদার্স। ওকে তো এ আপকো করনা হ্যাঁ। ফির আপলোক যাইয়ে বুক মে আপকো মালুম হ্যায় বাকি যো হ্যায় আপ ইউ ক্যান ডু অলরেডি আনসার গিভেন। তো আপকো ইয়ে করনা হ্যায় ও হ্যায় আপকি চুজ দ্য কারেক্ট আনসার এম সি কিউ। ভুরজি কেনাসি বিস্মিত ইতি বচন কশ্য। তো ইসমে আনসার আয়েগা ভটস্য বিটারস্য বিরাটেরস্য উত্তরস্য বিহন্নলতা। তো ইসমে আনসার আপকা আয়েগা কোন সা, ইসকে আনসার আয়েগা বিরাটেশ্বরস্য বিরাটেশ্বরস্য। ওকে সেকেন্ড নম্বর ইস দেয়ার নরেন্দ্র মহান সে ক বিনিযুক্ত। তো বল্লভ অর্জুন ভট উত্তর। তো কে আয়েগা ইসমে বল্লভ নরেন্দ্র মহান সে ক বিনিযুক্ত বল্লভ অর্জুন ভট উত্তর। তো ইসমে আনসার আয়েগা বল্লভ। কথমিদং ড্যাশ ইব মা হস্যতে। তো ইসমে অপশন সার দেয়ার অনভিজ্ঞম সাবঙ্গম অপরিচিতম নিরবঙ্গম। তো ইসমে আনসার আয়েগা কোন সা বলিয়ে সাবঙ্গম। ওকে ধনু কই গৃহচ্ছতে ধনু কই গৃহচ্ছতে। তো দুর্বলই সৈনিকই রাক্ষসই যৌথে দুর্বলই পিতরং কেন দর্শিতা গ্রহগ্রহণে উত্তীর্ণ বল্লবেন ভটেন। কোন সা আয়েগা আনসার, ইসমে আনসার আয়েগা আপকা গ্রহগ্রহণে। দ স্টোরি আপকো মালুমই হ্যায় গ্রহগ্রহণ হ্যায়। প্রশ্ন উত্তর নি সংক্ষিপ্ত দো সংস্কৃত মে ভট কিং প্রিয়ং নিবেদয়াতি। তো ভট প্রিয়ং ক্যা নিবেদাতি, স্টোরি কাজ নাম হ্যায় গ্রহগ্রহণ অবজিতম ধৃতরাষ্ট্র চ অপায়াতে। ওকে সেকেন্ড নম্বর কোশ্চেন ইস দেয়ার অভিমন্যু কেন গৃহতে অভিমন্যু কেন গৃহীত। তো বল্লম নাম ধারিয়া ভীমসেন অভিমন্যু গৃহীত। বিহন্নলতা কষ্য কষ্য বিষয়ে অভিমন্যু পৃচ্ছতি বিহন্নলতা অভিমন্যু তস্য জনন্যা বিষয়ে দেবকী পুত্র আর কেশবস্য বিষয়ে পৃচ্ছতি পৃচ্ছতি। ভীমসেনস্য সহজ পোষরণ পোহরণ কিম অস্তি ভীমসেনস্য সহজ পোহরণ তস্য ভুজ অস্তি। উত্তরং কষ্য পূজা কর্তুং কথায়তি উত্তরস্য ধর অর্জুনস্য পূজা কর্তুং কথায়তি। আচ্ছা ফির আপ লোক কো দিয়া হুয়া হ্যায় চুজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট দ্য উইচ ফিলিং ইজ রিফ্লেক্টেড ইন ইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স চুজিং দ্য কারেক্ট ওয়ান ফ্রম দ্য ব্যাকেট দ্যাট মিন্স এম সি কিউ। কথং কথম অভিমন্য নাম অহম আত্মশক্তি দেবম অভিমান তো অভিমান ইয়ানমা প্রীতি বাধাকর্ম স্ত্রীগতা পিচ্ছপ সে কথায় ক্রোধ বিস্ময় তিরস্কার বিস্ময় ধনুস্থ দুর্বলয় গৃহ্যতে ধনুস্থ দুর্বলয় গৃহ্যতে। তো তার উৎসাহ শৌর্যম অহংকারম তো ইসমে আয়েগা শৌর্যম। দৃষ্ট গোগ্রহণং সন্তম সতং পিতরং ইয়ন দর্শিতা হর্ষ ধৈর্যম নিন্দা তো ইসমে আয়েগা হর্ষ। ওকে আর নিচে বালা যো হ্যায় ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য টেবল বাই ওন ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট বাই টেবল বাই ওন এ টেবল আপকো খুদ করনা হ্যায়। ওকে আর যো হ্যায় প্যারাগ্রাফ ম্যাচ দ্য ফলোয়িং যো হ্যায় ইউ হ্যাভ টু ডু বাই ওন সেলফ ট্রাই টু ইংলিশ কোশ্চেন আনসার ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু রাইট বাই ওন সেলফ রিড দ্য লেসন ট্রান্সলেশন অলসো অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য আনসার সাপোজ ফিলিং ইয়ে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং তো ইউ হ্যাভ টু ডু। ওকে তো দিস ইজ দ্য লেসন আপ টু 13 আই অলরেডি সেন্ড দ্য ওয়ার্কশিট ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট। ওকে অ্যান্ড এনি ডাউট আফটার দ্য কমপ্লিট আওয়ার লেসন উই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন সলভ যো হোগা ও শর্ট
नहीं होगा, शॉर्ट कला यू हैव टू डू बाय ओनसेल्फ। आपकी जो वर्कशीट जा रहा है, वर्कशीट में जो शॉर्ट वाला है, ओके, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच है, यू हैव टू डू बाय ओनसेल्फ, डोंट आस्क मी लाइक दैट। लेकिन इफ संस्कृत क्वेश्चन आंसर डाउट, देन आई विल सॉल्व इन द क्लास। समटाइम्स आई विल सॉल्व इन द इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, संस्कृत क्वेश्चन आंसर आई विल बी सॉल्व इन द क्लास, व्हेन यू हैव टू कंप्लीट योर लेसन 3, 4, 5, ओके, अप टू 5 यू हैव टू कंप्लीट, 3 ऑलरेडी गॉट, 4 and 5 इज रिमेनिंग, आई विल गिव द 4 and 5, ओके। सो यू हैव टू स्टे एट योर होम, से डू योर वर्क रेगुलरली, डू योर वर्क रेगुलरली, और ईच एंड एवरीथिंग, वर्कशीट यू विल, आपको मिलेगा नहीं, यू विल नॉट गेट रिटर्न। सो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर एंड ईच एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट आपको मिलेगा नहीं, दैट्स वाई यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक, ओके ओके। बाय बेटा, बाय।